Outreach Ministries presents Yeshu ki jay. Yehoshua 7:10. आशा का पलता पड़ला झूठ रोके रो गिर के रो रहा था प्रेयर कर रहा था गेट अप कहता है उठ अकरा इस्राएल ने पाप के लिए आहे मी त्याच्याशी केलेला करार त्याने मोडला आहे समज पैकी काही त्याने घेतलेले आहेत एवढेच नव्हे तर त्याने चोरी लबाडी केली आहे काय काय केलं इस्राएलनी नंबर 1 हाँ पहला क्या है पाप किया है सेकंड वाचा बांधी करार हाँ जो परमेश्वर का करार है वो तोड़ा है थर्ड अर्पण की वस्तु लिया है आजकल बहुत लोग बैंड लगाते हैं ना फ्रेंडशिप बैंड ये बैंड आपको मालूम नहीं वो किधर वो अर्पण करके दिया है आप वो बैंड डालेंगे और उसके साथ ही जाएंगे बहुत दुकान में लाफिंग बुद्धा होता है मालूम है दोनों हाथ ऊपर है ना और हंसते रहते हैं जब मैं थाईलैंड में गया वहां देखा कि इट इज बैंड जिधर वो फुल बुद्धिस्ट कंट्री है वो बोलते लाफिंग बुद्धा नाम का चीज ही नहीं है उधर सब जगह पोस्टर्स है डोंट कीप ऐसा बुद्धा का जो सिर्फ ऐसा चेहरा वाला स्टैचू मत लो लाफिंग बुद्धा मत लो डोंट टेक इट कहता है मत लो वो लोग बोल रहे सो यू डोंट नो वेयर इट इज ऑफर्ड एंड गिवन यू हमको पता नहीं कि आप कहां पर उसको चढ़ाया गया है फिर कहां से वो आता है So they had lot of things which are offered unto demons. और उनके पास जो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो शैतान को अर्पित की गई थी। आगे और क्या किया उन्होंने? चोरी भी किए। अरे अभी मुझे बताओ हेलो ये पूरा शहर आपको दे दिया है जो मांगता वो ले सकते तो वो लिया तो क्या चोरी हो गया क्या टेल मी परमेश्वर इधर बोलता है चोरी किया है क्यों बोलता है वो लेके जलाना है वो लेके नाश करना है अपने लिए नहीं रखना है समझ में आया क्या हेलो ओके आगे एंड चल करके डिसेम्बल्ड ऑल्सो एंड पुट इट इन देयर ओन स्टफ आगे क्या लिखा है छल करके उसको उसने अपने सामान में रख लिया है छल क्या ले ले हा सगळ्या वस्तू जाऊन सामानामध्ये लपवून ठेवल्यात देखो अभी आपके घर में खोल के किधर किधर क्या क्या किसने लाके छुपाया बहुत सारा ऐसा चीज निकलेगा फिर आप बोलते हैं मेरे घर में ना ऐसा ही है वैसा ही है अचानक झगड़ा होता है नींद नहीं आता है आपको कारण सब समझेगा आपने आपके घर में टाइम बम लगाया प्रेज द लॉर्ड सो वी हैव टू वॉच आउट तो हमें सतर्क रहना अभी इतने सारे इसराइल के कैंप में किसने लिया कौन बता सकता है Only God. सिर्फ परमेश्वर बता सकता है. Only God. सिर्फ परमेश्वर. And then see what happened. उसके बाद देखिए क्या हुआ. फिर परमेश्वर ने बोला सबको लाओ खड़ा करो सुबह. 15 में क्या लिखा है? जाचा जवा समर्पित वस्तु सापड़ती. हाँ जिसके पास वो जो चोरी का जो नाश करने का चीज मिला जाएगा. त्याला त्याचा सर्वस्व सह अग्नि ने जाऊन टाका. त्याला त्याचा सर्वस्वासह सर्वस्व मतलब क्या है बीवी बच्चे माँ बाप घर दार गाय बैल बकरी घर में कितना बेडरूम है बेड बीट सब बेडशीट सब बर्तन बर्तन सब सर्वस्व इट्स वेरी सीरियस देखिए आगे 19 में पढ़िए जब परमेश्वर ने जोशा को बोला ये है वो आदमी तब जोशा ने उसको कैसे बोला 19 वाचा बरा हाँ मग पुढे 20 अखानाने यहोशुआला उत्तर दिले की मी खरोखर इस्रायलचा देव परमेश्वर याचा विरोध पाप केले आहे आणि मी जे केले ते हे मध्ये एक चांगला सिनारी झगा 200 हाँ वो लूट में उसको क्या मिला सुंदर ओढ़ना जैकेट
गारमेंट ओढ़ने के लिए, कुछ ब्रांडेड था वो, बेबीलोनियन गारमेंट है ना, दूसरा देश का था, फॉरेन का, इंपोर्टेड, बहुत क्रेज है ना। और क्या देखा? हाँ, चांदी का थोड़ा मिला कॉइन्स, और सोने की वीट, एक वीट मिल गई उसको सोने की। हाँ यस, आणि मी काय केलं? हाँ पुढे, लोभ सुटला। हेलो, उधर हिंदी में क्या लिखा है? मुझे लालच हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लालच हुआ। हाँ आगे, मग पहा माझ्या देऱ्यामध्ये त्या जमिनीत पुरल्या आहे, रुपे खाली आहे। ओके, तो उन्होंने जाके चेक किया, सब लेके आया। नाउ रीड 20 वर्स 24। अखान सर्व इस्राएल लोकांनी अखान बिन जरह याला व त्याच्या बरोबर ते रुपे धागा व ती सोन्याची वीट, त्याचे मुलगे, त्याची मुली, त्याचे बैल, गाढवे, शेंडरे, मेंढरे, त्याचा डेरा, त्याचा डेरा तंबू में उसका घर भी तोड़ दिया। हाँ आगे, अखोर। हाँ ओके, अभी गलती किसने किया था? अखान, बोलो अखान। उसका बेटों ने किया था, बेटियों ने किया था, उसके सब जानवरों ने किया था। दिस इज हाउ गॉड जजेस। इस तरह से परमेश्वर न्याय करता। यू मस्ट नो, हमें पता होना चाहिए। बहुत लोग क्या बोलते हैं, खुद पढ़ते नहीं लेकिन बच्चों को, बेटा मैंने पढ़ा, तू तभी पढ़, है ना? It will never work. ऐसे नहीं काम चलेगा। The Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, if the tree is good, fruit is good. अगर पेड़ अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा होगा। If the tree is bad, the fruit is bad. अगर पेड़ खराब है तो फिर उसका फल भी खराब होगा। मैंने बोल रहा हूँ, Jesus says, यीशु कहता है, good tree cannot bear bad fruit. अच्छा पेड़ खराब फल नहीं दे सकता। Bad tree cannot bear good fruit. और खराब पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता। The parents who don't like to come to church. और जो माँ बाप कलीसिया आना नहीं चाहते। The parents who don't like to read Bible. और जो माँ बाप बाइबल पढ़ना नहीं अच्छा लगता। You are destroying your children by your bad habits. आपके खराब आदतों के वजह से आपके बच्चों को आप गंदा खराब कर रहे हो। Hello, you are destroying your whole generations. आपके पूरे पीढ़ी का आप नाश कर रहे हो। This is what happens. यही वापस लिखा है। This is what God has written in His Word. यह परमेश्वर उनके वचन में लिखा है। Many parents they tell pastor as late as नहीं ना जरा एक महीना ना है, जरा दोन महीने ना है, तीन महीने ना। Okay, this is what God's Word has to say. यही परमेश्वर का वचन कहना चाहता है। We as parents have a responsibility. हम माँबाप होने के नाते हमारे पास जिम्मेदारी है। Your children are not just kids. आपके बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं। They're generations. वो एक पीढ़ी है। Praise the Lord. पीढ़ियाँ। They are generations. वो पीढ़ियाँ हैं। Means what do you mean? उसका मतलब क्या? I mean that in those kids are your grandkids, great grandkids, great 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 grandkids for thousands of years. They are all inside them. If you spoil them by your negligence, you are spoiling what God has given you in the future generations. Amen. आपके बच्चों में हजारों पीढ़ियों के बच्चे छिपे हैं। अगर आप उनको खराब करोगे तो आपके आने वाले हजारों पीढ़ियों को खराब करोगे। 100 or 500 years from now, if there are no righteous people, it is because of you and me. अगर 100 साल आने वाले 100 साल में कोई धर्मी व्यक्ति नहीं मिला तो हमारी गलती होगी। What is our attitude? हमारा बर्ताव क्या होता है? We believe in lies. अरे आज है, झूठ पर विश्वास करते हैं। कल किसने देखा है? देखो, सब देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. When God told King Hezekiah, और जब परमेश्वर ने हेजकिया राजा को बताया, All your kingdom is going to be taken by your enemies. कि सारा तेरा राज दुश्मन के द्वारा ले लिया जाएगा। You know what he prayed? उसने क्या प्रार्थना की पता है? मेरे मरने के बाद होने दो ना ये सब, मेरे आपके किस्म मालूम है बक्तायनर। This is the kind of prayers. Think about his spiritual standard. उस तरह से प्रार्थना देगी उसका आत्मिक। वो बोल सकता था, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, आई विल चेंज माय वेज। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सबको बचाओ। लेकिन उसने क्या बोला? मुझे मजा करने दो, मेरे मरने के बाद क्या करने का, आई एम नॉट बॉदर्ड। हम लोग बोलते ना घर में, हेलो, हम लोग भी हेजकिया के बच्चे है सब, मैं जीवंत आसे पर आसत चलना। हेलो, मेरे मरने के बाद क्या करने का कर। Don't you talk like this again.
इस तरह से कभी बात ना कीजिए. बिकॉज यू आर रूइनिंग योर फैमिली एंड यू आर रूइनिंग योर सिटी, यू आर रूइनिंग द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. आपका परिवार को, आपके शहर को, आपके शहर के भविष्य को, सबको बर्बाद कर रहे हैं. नॉट इवन कम टू आवर सब्जेक्ट, ओके? और हम हमारे मुद्दे पर भी, हमारे विषय तक भी हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं. व्हाट दे डिड टू अखान, अखान के साथ उन्होंने क्या किया? लिसन व्हाट दे डिड. देखिए उन्होंने क्या किया. उसको आखोर की खिंडी में, खाई में लेकर आए. वर्स 25, 25वां वचन. तेरे एक गलती से हम लोग लड़ाई में हार गए. तू हमारा का त्रास दिला? एक कपड़े के लिए क्यों तू मर रहा था? जो परमेश्वर अखा शहर दे रहा है, जो पूरा दुनिया दे रहा है, क्यों एक लालच के लिए तुम? हेलो, इट मेक सेंस? यू हैव टू सी व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव इन योर हार्ट व्हिच टेक यू अवे फ्रॉम गॉड. हमको देखना है कि कौन कौन सी चीजों के द्वारा हम परमेश्वर के तरफ से दूर जा रहे हैं. दे स्टोन्ड हिम, उन्होंने उसको पर पत्थरवा किया. 26वां वचन. 24वां वचन. 26. त्यावर त्याने एक मोटी दगड़ाची रास केली. इतना पत्थर मारा, देखो पत्थर का डोंगर खड़ा हो गया. और फिर आगे क्या लिखा है? आज परंतु देते आहे. सो हाँ, परमेश्वराचा भड़कलेला कोप शमला. नाउ व्हाट इज दैट अखान? वो अखान क्या था? मेनी टाइम्स वी हैव सम अखान सिटिंग इनसाइड. और बहुत बार हमारे अंदर वो अखान छिपा बैठा होता है. सब लालच, सब लोभ. वी वांट दिस आल्सो, दैट आल्सो, एवरीथिंग. हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ. आई आल्सो वांट टू टेक कार. अगर तूने कार ले लिया, मैं भी गाड़ी लूंगा. आई रिमेंबर 25-30 इयर्स अगो, मुझे याद है कि 25-30 साल पहले, वन पर्सन इन द चर्च, एक व्यक्ति था चर्च कलीसिया में. ही डिड समथिंग रॉन्ग एंड बिकेम करोड़पति. उसने कुछ गलत करके करोड़पति बन गया. ओवरनाइट कार, बंगलो, एवरीथिंग चेंज्ड. रातों रात गाड़ी आ गई, बंगलो आ गया, सब कुछ बदल गया. गोल्डन कड़ा, एवरीथिंग, सब कुछ सोने का. उसके हाथ में कड़ा वगैरह, घड़ी वगैरह, सब कुछ. मैंने बोला, क्या ब्रदर, एक रात में? पास्टर, आपकी प्रार्थना का असर है. Okay, people know how to talk, right? लोगों को पता भी है कैसे. So what happened is? फिर क्या हुआ कि? The other people got affected. दूसरे लोगों पर उसका परिणाम हुआ. Other people said, ये छुप-छुप के गलत करते हैं, हम openly करेंगे. They also went into the wrong line for money. और फिर वो भी पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते पर चले. Today they are staying in Pune only. They met me. आज वो भी पुणे में रहते हैं, वो मुझे मिले. आओ चर्च को. कली से आने के लिए उनको बोला गया. पास्टर, हम लोग अभी ऐसे-ऐसे काम करते हैं, हम चर्च में आ ही नहीं सकते. They got all the money. उनके पास बहुत सारा पैसा है. Praise the Lord. They got all the money, they got all the cars, they got all the things. सारा पैसा मिला, सब कुछ कार है, सब कुछ है. But just because somebody did wrong and they were influenced by him, many people started doing wrong. पर किसी ने गलत किया, उसके बहकावे में आकर सब घर किसी ने गलत किया. इसलिए the one who does wrong needs to be dealt with very harshly and very strictly. इसलिए जो कोई गलत करता है, उसे सख्ती से पेश आना चाहिए. Hallelujah. 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 So many times we as Christians feel चलता है. इसलिए हमारे मसीह लोगों को लगता है कि चलता है करके. So, पालक साहब cannot say this and that. तो पास्टर, पालक साहब, पास्टर ऐसा नहीं कह सकते कि ये और वो. So God picks up somebody who was never a पालक साहब and makes him stand. तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनता है कि जो पास्टर नहीं था, और फिर उसको खड़ा करता है. Let's come to chapter 8. तो आठवें अध्याय में आते हैं. अभी करेक्शन हो गया उनका. They made their lives right. और उन्होंने अपने जीवन सुधार लिया. Then chapter 8 says how they defeated that country. और उन्होंने उस देश को कैसे उन्होंने हराया. I was defeated. ए नगर को कैसे उन्होंने हराया. Now we come to chapter 9. और अभी हम 9वें अध्याय में आते हैं. Now I के बाद next number किसका था? गिबियोन से. I के नगर के बाद गिबियोन का नंबर था. गिदोन ने गिबोन. गिबोन. D and B फर्क है. Okay. गिदोन आदमी का नाम है, गिबोन जगह का नाम. Okay. So the people of Gibeon started thinking. और गिबोन के लोग सोचने लगे. येरिकोचा असं झालं, मग आपलं काय? येरिको में तो वॉल्स थे जिसके ऊपर एक्सप्रेस हाईवे जैसे बड़े रस्ते थे, मालूम है क्या? 3-track, 4-track रोड्स विद देयर चैरियट रेसेस होते थे. वो उसके ऊपर रेसिंग ट्रैक था, उसके ऊपर दीवालों पर. इतना बड़े शहर, राइट, वाज डिस्ट्रॉयड. उसका नष्ट हो गया. द पीपल ऑफ गिबियोन मेड एन आइडिया टू डिसीव जोशुआ. तो गिबियोन के लोगों ने कल्पना की कि यहोशू और उसके लोगों को हम हरा दे. They made an idea. What did they do? उन्होंने एक सुझाव किया. कोई बता सकता है क्या किया? यहोशू के साथ कौन है?
परमेश्वर है, लेकिन ये लोग का धाड़स देखो, धाड़स देखो, धाड़स मानने जैसा है. ओके हम लोग बोले मानना पड़ेगा. उन्होंने क्या किया, जो सब जुन्ना बाजार से जुन्ना पूरा फटा हुआ जूता लाया, क्या फटा हुआ बैग्स लाया, फटे हुए ऐसे मैले चिंदी के कपड़े लाए, और किधर रहते, बाजू में ही रहते, 15-30 miles, यानी कि चल के गया तो 3 दिन लगेगा, रोज 10 मील चलते थे लोग, 3 दिन का यात्रा, 30 miles कितना है फ्रॉम हियर टिल पुणे स्टेशन, है ना, 30 miles लाइक 50 किलोमीटर यहां से लोनावला. ओके इतनी दूरी पर है, लेकिन उन्होंने क्या किया, और जो फ्रूट्स है ना अंजीर सब सड़ा हुआ फ्रूट्स लिया, खाना जो सड़ा हुआ है ना सब खाना जमा किया, और जोशो के पास गए, बोले हम बहुत दूर रहते हैं, हम जब निकले हमारे कपड़े ब्रांड न्यू थे, हमारे जूते चमकते थे, लेकिन देखो आपके पास पहुंचते पहुंचते जूते फट गए, हील किधर गिर गया मालूम नहीं, हाँ खाना हमने फ्रेश पैक किया था, लेकिन देखो आते आते उसमें पूरे कीड़े लगे हुए, हमारा खाना भी खराब हो गया. अच्छा जोशो बोले किधर से आए, बहुत दूर से आए, हमने आपके बारे में सुना है कि परमेश्वर आपके साथ है और हम आपकी शरण में आना चाहते हैं. क्यों ऐसा उनको बोल के फंसाए ना तो कल यही लोग मरने वाले, समझ में आया. यस वो जोशुआ का काम क्या है, प्रार्थना करो प्रभु ये लोग कौन है ना, लेकिन आंखों से फंस गए देख देख कर. अरे अरे जेवन बक सबको बोला काले बिलो, अरे काय कुटो ना आले बाप रे, ये फिक्स ऐसे कैसे सड़ेला फिक्स, नहीं सर हमने जब लाया तभी एकदम फ्रेश था, लेकिन हम इतने महीने चल रहे हैं, आए इधर से आए. फिर उन्होंने क्या बोला, डोंट वरी हम आपके साथ करार करेंगे, एंड दे साइंड अ कवेनेंट विद देम, और उनके बाद उनके साथ वाचा बांधी गई. अभी सुनो, ये वो देश था जो परमेश्वर ने बोला इनको आप मार देने, नष्ट करना है, बराबर है, लेकिन यहोशुआ ने क्या किया, करार किया, अपन सगड़े एक, हम तुमको रक्षा देंगे, हम तुमको सब कुछ देंगे, और बाद में मालूम पड़ा ऐसा किया. झूठ छुपता है क्या, अभी गलती किया तो अभी देखो आखान ने गलती किया क्या हो गया. पथराव. अभी जोशुआ और सभी लोगों ने मिलकर गलती किया, क्या बोलते नेशनल मिस्टेक, राष्ट्रीय. अभी एक ने गलती किया मारो, तो सब ने गलती किया सबको मारो, फिर बचा कौन, है ना. तो परमेश्वर ने अलग रास्ता निकाला. हेलो न गॉड वॉन्ट्स टू गिव देम द लैंड. अभी परमेश्वर को भूमि देना चाहता था. यू विल कम इन द प्रॉमिस लैंड, कि आप वचन दत्त देश में आ सको. प्रॉमिस लैंड में आते आते देखो कैसे इनके नखरे, हाँ कुछ देखते नहीं, किसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ भी कुछ भी करार, दे नॉट केयरफुल, और सतर्क नहीं थे. इन क्रिश्चियन लाइफ यू हैव टू बी केयरफुल, और फिर मसीह जीवन में सतर्क रहना है. इफ आई टेल यू समथिंग यू विल बी स्केट, अगर हम मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आप डर जाओगे. इफ यू डू से प्रेज द लॉर्ड टू अ रॉन्ग मैन, अगर आप गलत व्यक्ति को प्रेज द लॉर्ड करोगे, वन हैंडशेक कैन इवन किल यू, एक हाथ मिलाने से भी आप मर सकते हो. डू यू नो दैट, आपको पता ही है. डू यू नो दैट, ये बात आपको पता है. व्हेन मैरी मेट एलिजाबेथ, एलिजाबेथ एंड मैरी मेट, व्हाट हैपेंड, मेरी और एलिजाबेथ मिले तो क्या हुआ. मैरी सेड ग्रीटिंग्स प्रेज द लॉर्ड, वो कहते हैं अभिवादन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. हाँ द चाइल्ड वूप इन द वूम्ब लीप्ड, और फिर उनके जो गर्भ में जो बेटा बच्चा था वो उड़ी मारने लगा, नाचने लगा. ही वाज हैप्पी इन द वूम, और फिर वो गर्भ में आनंद मनाने लगा. और डिलीवरी को 3 महीने थे. हेलो बहुत लोग बोलते 7 महीने 8 महीने प्रीमैच्योर, 6 महीने में उड़ी मार रहा था. यानी कि हम लोग क्या क्या बिलीव करते हैं. A right praise the Lord will bring joy from inside. और जो सही तरीके से हुआ किया हुआ praise the Lord होता है. But a wrong praise the Lord can take away all your blessings. Remember this. पर गलत praise the Lord, गलत हस्तांतरण आपको सब कुछ तहस नहस कर सकता है. If somebody comes and say praise the Lord and you say अरे अल्लाह तर संगलस लगल, you have to decide. तो आपको तय करना है कि आपको किसके साथ praise the Lord करना है करके. You have to decide. आपको तय करना है.
Whether you want to keep your blessings or give it for free. कि आपको आपके आशीष रखनी है या फिर उसको सीधा आसानी से दे देना है. And I've met many people. मैं बहुत सारे लोगों से मिला. They say I called so and so for prayer, तभी से काम गया, ये गया, वो गया, वो गया, वो गया. किसी को प्रार्थना के लिए बुलाया तब से एक गया वो गया सब कुछ उनसे हाथ के चला गया. नेगेटिव रिपोर्ट. नकारात्मक रिपोर्ट. I want so and so place for prayer. Prayer को ही गया, prayer को ही गए. प्रार्थना के लिए मुद्दा था, प्रार्थना के लिए गए थे. But all prayer is not prayer. पर सारी प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं नहीं होती. हेलो, आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं? ऑल प्रेयर इज नॉट प्रेयर. सारी प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं नहीं होती. लिसन केयरफुली. दिस पीपल फर्स्ट जेरिको, नेक्स्ट आई, नेक्स्ट इज गिबियोन. गिबियोन ने क्या किया? होशियारी से, बाबा अपने तक आने से पहले अपन कुछ तो कर देंगे, क्योंकि ये लोग क्या है, करार को बहुत मानते हैं, वो करार इज कर देंगे. एंड दे डिड इट. और उन्हें वो वाचा बांधी. गिबियोन के आगे के जो थे, गिबियोन के आगे और पांच सिटीज थे. हु आर दोस? नाउ वी कम टू जोशुआ 10. अभी यहोशू 10 पर हम आते हैं. ओके, एंड चैप्टर 10 एंड वर्स 3. वर्स 3. हाँ, यरूशलेम. फिर यरूशलेम का कौन था? आदोनी सेदेक. सेकेंड हेब्रोन का कौन राजा था? होहाम. हाँ, और यारमुत का कौन था? पीराम. लाकिश का कौन राजा था? याफी. और एग्लोन का कौन था? दबीर. ये पांच शहरों के पांच राजा. ओके, फाइव किंग्स, पांच राजा. और फाइव सिटीज, पांच देशों के. दे ऑल गॉट टुगेदर. सब इकट्ठा हुए. किसके विरोध में आ गए? हाँ, गिबोन इतना बड़ा शहर था, हमसे बड़ा है, वो राजधानी के जैसा है, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े क्या बोलते मॉल सब है उधर. हमसे बड़ा शहर ने जाके दोस्ती किया, अभी अपना क्या हो जाएगा? इसको सबक सिखाना पड़ता. अभी किसके विरोध में कर रहे वो? गिबोन. कमॉन, कमॉन. हाँ, योशुआ के खिलाफ कर ही नहीं सकते, उनका हिम्मत ही नहीं. ओके, आई विल जस्ट वाइंड अप क्विकली. और तुरंत मैं खत्म करूंगा अभी. हु इज जोशुआ? यहोशु कौन था? जोशुआ इज ए टाइप ऑफ क्राइस्ट. यहोशु एक मसीह के जैसा था. आमेन. एंड हम लोग जो दूर थे, वी वर फार अवे फ्रॉम गॉड. हम परमेश्वर से बहुत दूर थे. वी बिकेम वन विद हिम. हम उसके साथ एक हो गए. वी बिकेम वन विद हिम. हम उसके साथ एक हो गए. उसने करार बना दिया हमारे साथ, उसने वाचा बांधी. तो बाकी लोग अभी जल रहे हैं, वो बोलते हैं इसका कुछ करना पड़ेगा. किसका? यीशु मसीह का नहीं. हाँ, ये प्रकाश का कुछ करना पड़ेगा, ये सुधीर का कुछ करना पड़ेगा. प्रेज द लॉर्ड. ये वैजू का कुछ करना पड़ेगा, है ना? भास्कर का कुछ करना पड़ेगा, बहुत बिल्डिंग बांध रहे आजकल. यस, दिस इज हाउ दे विल टॉक आउटसाइड. यही लोग ऐसे बाहर जाकर बातें करेंगे. और बाहर जाकर क्या करेंगे? गठबंधन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको समझ रहा है? हाँ, सो यू शुड नो विच आर द फाइव पावर्स और डेविल्स विच आर अगेंस्ट यू. तो आपको समझना चाहिए कि कौन सी पांच शक्तियां या कौन से पांच शैतान जो आपके खिलाफ है. यू शुड नो हु इज अगेंस्ट यू. आपको पता होना चाहिए कि आपके खिलाफ कौन है. अगेंस्ट यू. आपको कौन सी बात आपके खिलाफ है, आपको पता होनी चाहिए. हैव यू सीन मेनी टाइम्स? देयर वाज, आई विल टेल यू वन नाइस स्टोरी. अच्छे से एक कहानी में आपको बताता हूं. वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज वर्किंग इन दैट बेकर्स बास्केट. क्या मेरा एक दोस्त था, बेकर्स बास्केट में काम करता था. केक. ओके, केक बनता है वहां पर. वेरी नाइस शोरूम. अच्छा, बहुत ही अच्छा शोरूम था. एंड इट वाज वेरी न्यू. बहुत ही नई जगह थी, कैंप में है. सो दे हैव दैट ग्लास. तो उनके पास वो कांच थी. सो इफ यू कम, दैट ऑटोमेटिक इट ओपन्स, यू नो नो दैट. आपको पता है ना, जब आप वहां पर नजदीक जाते हो तो कांच का दरवाजा खुल जाता है. इफ यू कम क्लोज, ऑटोमेटिकली इट ओपन्स. वो कांच का दरवाजा अपने आप खुल जाता है. सो सम पीपल न्यू इट इज लाइक दैट. कुछ लोगों को पता था कि वो वैसा है. सो दे विल जस्ट वॉक इन. तो वहां पर सिर्फ आ गए. बट सेंसर खराब हो गया. ओके, सेंसर खराब हो गया. यू हैव टू पुश द डोर एंड कम इन. आपको फिर धक्का देकर अंदर जाना है. बट दोज हू न्यू इट इज लाइक दैट. तो जो नए लोगों के लिए पता था, ऐसा था, they just came, देविल, द ग्लास इज देयर. तो कांच को जाकर टकराते थे. कांच दिख रहा भी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट इन द माइंड इट इज की खुलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग?
So problem is in the mind many times. तो बहुत बार हमारे मन में वो समस्या रहती है. The problem is in the mind. हमारे मन में दिमाग में वो समस्या रहती है. If you solve that problem, you have no problem. वो दिमाग की समस्या सुलझाई तो कोई हर कोई समस्या सुलझ जाएगी. Sounds like good news. खुशखबर के जैसा लग रहा है क्या? Hallelujah. Hallelujah. एक आदमी बोला पास्टर प्रे करो कर्जा पास ही नहीं हो रहा है. I said pray क्या धन्यवाद दे प्रभु को तो कर्ज बाजारी नहीं हो रहा है. अब प्रॉब्लम इज कि मेरे पास कर्जा रहेगा 50 लाख का तो मैं कुछ हूं. दैट्स रॉन्ग. ये गलत है. इफ यू हैव नो लोन्स यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन. अगर कोई कर्जा नहीं तो आप आशीर्वादित हो. हालेलुया. आमेन. ओन हाउस मींस यू हैव टू स्टे देयर ऑल योर लाइफ. और खुद का घर मतलब आप जिंदगी भर आपको रहना है. वेदर यू लाइक अर नो. आपको अच्छा लगे या ना लगे. भाड़े के घर में आज पिंपरी कल चिंचोट परसों वाकट. हेलो. आमेन. Amen. Pune se bore ho gaye Bombay. But we feel nine upon asala paje na aplas hota za thoda. Ar nasla manun kay. God is with you. You have to see who is with you. Parmeshwar aapke sath hai. Aapko dekhna chahiye. Don't see what you don't have. See what you have. Jo aapke paas nahi hai use mat dekho. Jo aapke paas hai use dekho. Amen. Hallelujah. That is what God wants. Yehi Parmeshwar chahta hai. So they all five. To isliye wo sare paanch raja. Got their armies together. Wo ikattha ho gaye. Against whom? किसके खिलाफ? गिबोन. गिबोन के खिलाफ. अभी जोशुआ को मालूम है इन्होंने हमको फंसा के एग्रीमेंट किया है झूठ बूट बोल के. तो अभी अटैक किसके ऊपर हो रहा है? गिबोन के ऊपर हो रहा है. जोशुआ का क्या है एटीट्यूड होना चाहिए? अरे इसको तो वैसे भी मारने के अपन तो करार के अपन हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन ये लोग मारेंगे तो इट्स गुड. प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस. तो ऐसा भी काम करता है ना. But Joshua did not do that. पर ऐसा यहोशू ने ऐसा नहीं किया. हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद. प्रार्थना करने के लिए या परमेश्वर के बारे में और भी अधिक जानकारी पाने के लिए हमसे संपर्क कीजिए. हमारा फोन नंबर है 07887898757 या आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें prakashtina1@gmail.com पर भी भेज सकते हैं. प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे.